बहुत कीमती है तुम्हारा आंसू, तुम्हारे आंसू के बदले में तुमको अब सब सुविधा मिलेगा, ठीक है, तुमको सब सुविधा मिलेगा बेटा। इतना इच्छा शक्ति बच्चा दिखा दे उसके तुम जान लगा देते, समझ गए बात को। बच्ची को पढ़ाइए, ठीक है, बेटा बेटी दोनों को पढ़ाने में ध्यान दीजिए, इंश्योरेंस है जी, समझ रहे हैं। नहीं तो बोलो कि जैसे बेटा आपका भविष्य बुढ़ापा संभालेगा ना, उससे ज़्यादा बेटी संभालती है, हम संभालेंगे। शादी ब्याह में बच्ची के खर्च करने को तैयार रहता है, इतना लगाएंगे, इतना देंगे, ये देंगे, अब बेटी को पढ़ाने में ध्यान पीछे रहेंगे, और वही पढ़ी लिखी बेटी रहेगी तो दामाद भी अच्छा मिलता है। जो बच्ची पढ़ लिख लेती है, आत्मनिर्भर बनती है, उसको ससुराल में भी अपने सम्मान मिलता है और आत्मनिर्भर रहती है, उसके संग अन्याय कम होता है। सुमित समूह के निदेशक प्रोफेसर नीरज अग्रवाल और डीन नीरज पोदर जब 5 मई 2024 रविवार को पटना जिला के नजदीक मनेर में छात्रों को करियर मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए पहुंचे, तो वहां मौजूद बेटियों के दिल का दर्द आंखों से छलक पड़ा। उन्होंने कहा कि वो चाहती तो है कंप्यूटर साइंस पढ़ना, लेकिन उनका नामांकन होम साइंस में करा दिया जा रहा है। पापा बेटों को तो पढ़ा देंगे, लेकिन बेटियों को पढ़ाने के लिए पटना नहीं भेजेंगे, ये बोलकर वो बच्चियां रो पड़ी। पढ़ने के लिए और मेहनत करने के लिए तैयार है, बट पेरेंट्स नहीं मानेंगे कि वहां तुम मानेंगे दूर आज बच्चों को पेरेंट्स इंडिया में कहां नहीं भेज रहे हैं, बच्चे विदेश जा रहे हैं पढ़ने के लिए, है ना। करियर सबसे बड़ा विषय है लाइफ का। अच्छा बाहर अच्छा संबंध आएगा तो शादी कर देंगे, लड़का अच्छा मिलेगा, बढ़िया गवर्नमेंट जॉब में मिलेगा तो बाहर शादी कर देंगे, तब बाहर भेजने को तैयार है। तब तैयार है। अच्छा बेटी कुछ पढ़ के बनना चाहती है तो डरने का जरूरत नहीं होना चाहिए। बोला मेरे पे भरोसा नहीं है, मेरे पे भरोसा नहीं है कि अपने आप पे भरोसा नहीं है। हर चीज समझाना संभव है, हार नहीं मानना, ठीक है। बहुत कीमती है तुम्हारा आंसू, तुम्हारे आंसू के बदले में तुमको अब सब सुविधा मिलेगा, ठीक है, तुमको सब सुविधा मिलेगा बेटा। तुम्हारे जैसे बच्चे पूरे बिहार से आए हैं, बच्ची लोग आई है, बहुत अच्छा किया बच्चा। बैठ बेटा, बैठ बैठ बेटा, पानी पी लो बेटा, पानी पी। क्या नाम है तेरा बेटा? मोनी। हमको लोग बचपन में बोलते थे मोनू, हमको बड़ा भाई मान लो, ठीक है, समझ गई। हाँ हमको बड़ा भाई मान लो, पापा मम्मी को लेके आओगे मेरे पास। हाँ तुम्हारे लिए सुविधा दी, तुमको पापा को कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से पढ़ना, तो ठीक है, तुमको पैसा के बिना स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से पढ़ाएंगे, खाली सरकार से पैसा आएगा उसे पढ़ोगी, बस तुम पढ़ने को तैयार रहना, जिस दिन क्लास नहीं करोगे तुमको निकाल देंगे हम, ठीक है, पापा को पैसा नहीं लगेगा, हो जाएगा, ठीक है, समझ गई बात को। इतना इच्छा शक्ति बच्चा दिखा दे उसके तुम जान लगा देते, समझ गए बात को। हाँ बोल लो से बेटा, जा बेटा। उनको रोता देखकर डायरेक्टर प्रोफेसर नीरज अग्रवाल ने कहा कि तुम अपने पिताजी को बुलाओ, उनसे इस बारे में मैं बात करूंगा। और उन्होंने उन बच्चियों के पिताजी से बात की और उन्हें समझाया कि आज बेटियां किसी भी तरह से बेटों से कम नहीं है, अगर उन्हें भी वही शिक्षा दी जाए जो आप अपने बेटों को देते हैं तो वे भी कमाल कर सकती हैं। बेटी के दहेज के लिए पैसा जमा करने से अच्छा है उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद करना। बच्ची को पढ़ाइए, ठीक है, बेटा बेटी दोनों को पढ़ाने में ध्यान दीजिए, इंश्योरेंस है जी, समझ रहे हैं जी। हर तरीके से पढ़ाई जो है लाभ देता है, गाँव में भी समझने में देखने में आ रहा है, तो मनेर तो खैर गाँव नहीं है, बड़ा शहर पटना ही है, लेकिन देखने को आ रहा है कि माँ बाप बेटी की शादी में लाखों खर्च करेंगे और बेटी को पढ़ाने पे खर्च नहीं, और बेटा को पढ़ाने के लिए खेत बेच देंगे, और बच्चियों को अवसर दीजिएगा, बेटा भी है उसके पढ़ाने में इसके पढ़ाने में अंतर नहीं करिएगा। आजकल यही देखने को मिल रहा है कि बेटी जो है बुढ़ापे में ज़्यादा काम आती है, माँ और बाप जो है वो बेटी से ही फोन पर हर समय बात करते। उन्होंने छात्राओं को आश्वस्त किया कि उनकी पढ़ाई के लिए जो भी सुविधा होगी सिमेज समूह के द्वारा प्रदान की जाएगी, और उसी का परिणाम हुआ सिमेज लाडली बिटिया योजना। एकदम मत तुम सोचो, और तुम्हारा फीस के लिए अगर कोई कम करना होगा उनको सुविधा हम देंगे, तुम चिंता ना करो, उनको बस लेकर के आओ, तुमको पढ़ाई की व्यवस्था मिलेगी, ठीक है। और इस योजना के साथ सिमेज ने एक लकीर खींच दी के घर में आपकी सिस्टर है,
आप पढ़ोगे कंप्यूटर साइंस और वो पढ़ेगी होम साइंस, क्या ये आपकी बहन के लिए सही होगा? क्या आपकी बहन को भी कंप्यूटर इंजीनियर बनने का हक है कि नहीं है? वो भी मैथ समझ सकती है, वो भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कर सकती है और वो भी अच्छा सैलरी अर्न कर सकती है। और सिमेज में लड़कियों के लिए सारे प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे कि BBA, BCA, BSc IT और BCom प्रोफेशनल कोर्स की फीस हो गई आधे से भी कम। अब छात्राओं के सीमित से BBA और BCA की पूरे 3 साल की पढ़ाई मात्र 1.59 लाख में हो जाएगी, वहीं BBM और BSc IT की पढ़ाई होगी मात्र 1.39 लाख में और BCom प्रोफेशनल की पढ़ाई हो जाएगी मात्र 1.19 लाख में। और ये जो फीस है ये सिमज में सारी पढ़ाई, 3 साल तक रेगुलर क्लासेस और इन कोर्सेज के साथ कराए जाने वाले तमाम एड ऑन कोर्सेज के साथ की है, यानी पढ़ाई में कोई कमी नहीं और आपकी बिटिया के करियर से कोई समझौता नहीं। इतना शुल्क तो बिहार के बाहर किसी दूसरे संस्थान से मात्र 6 महीने की पढ़ाई का हो जाता है और बिहार में भी कई संस्थान तो ऐसे हैं जहां उनकी 1 साल की फीस सिमज के इस 3 साल की फीस के बराबर है, जबकि बिहार का सर्वश्रेष्ठ संस्थान, सबसे अधिक प्लेसमेंट देने वाला संस्थान, सबसे बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर वाला संस्थान सिमज है। देखिए एक नजारा मैं आपको यहां दिखाता हूं, जो नजारा बिहार में सिर्फ सिमज में दिखाना पॉसिबल है कि जितने बच्चों को जॉब मिला है उसको पूरा हॉल भर गया है। आप ग्रुप फोटोग्राफ नहीं कर सकते हैं। मैं कहां ग्रुप फोटोग्राफ करूं बच्चों का, क्योंकि इनको किसी जगह खड़ा करने में तो सबका फोटोग्राफ आ ही पाएगा। पूरा हॉल भर के बच्चों का प्लेसमेंट ये सिर्फ सिमज में ही पॉसिबल है। तो पीछे खड़े लेकिन यह निर्णय लिया गया कि सिमज में तकनीकी शिक्षा के लिए बिहार की लड़कियों को बढ़ावा देना है और इसलिए लड़कियों की फीस को सिमज में कम कर दिया गया है और लड़कियों के लिए सिमज में 50% सीटें इस योजना के तहत आरक्षित कर दी गई है, इसलिए अब इसका फायदा सभी लड़कियां उठाएं। लेकिन ध्यान रहे, इस योजना के तहत 50% सीटों में लड़कियों का नामांकन होने के बाद अन्य लड़कियों को इसकी सुविधा नहीं मिलेगी। बाद में अन्य छात्राओं का नामांकन सिमज की पूरी फीस पर ही लिया जाएगा। सिमज से सफलता पाई छात्राओं की एक लंबी फेहरिस्त है। सिमज की छात्राओं ने विश्वविद्यालय परीक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त कर यूनिवर्सिटी टॉपर का तमगा हासिल किया और स्वर्ण पदक प्राप्त किया। वहीं सिमज की छात्राएं आज देशी नहीं बल्कि विदेशों में भी करोड़ों के पैकेज पर कार्यरत हैं। इसके अलावा भी सैकड़ों की संख्या में सिमज की छात्राओं को प्लेसमेंट मिला है। श्वेता कुमारी, जिसे कॉलेज से विप्रो में प्लेसमेंट मिला था, आज वह ग्लासगो में JP Morgan Chase में कार्यरत है। प्रियंका, जिसे सिमज से TCS में प्लेसमेंट मिला था, आज वह सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हुए मिशिगन में पहुंच गई। नबीनगर औरंगाबाद जैसे ग्रामीण परिवेश से आने वाली छात्रा मनीषा जायसवाल आज 25 लाख के पैकेज पर अमेजोन में कार्यरत है। मैं मनीषा जायसवाल हूँ। मैं नबीनगर से बिलोंग करती हूँ, जो कि बिहार की एक छोटा सा गांव है। तो जब मैं BCA में आई थी तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था लाइक कंप्यूटर कैसे ऑन होता है। जब मैं स्टार्टिंग में वहाँ पे आई थी तो मुझे कुछ भी नहीं आता था, लाइक मेरी इंग्लिश भी काफ़ी वीक थी। तो वहाँ पे मुझे पोलांदर ने काफ़ी हेल्प किया, जिन्होंने मुझे इंग्लिश कम्युनिकेशन सिखाया। तो यहाँ से मेरी BCA की जर्नी स्टार्ट हुई थी। BCA के बाद मैंने MCA किया। यहाँ पर मैंने 9 मंथ के अलाउन एज ए जावा डेवलपर काम किया एंड देन फाइनली मैं अपनी ड्रीम कंपनी अमेजन में पहुंची एज ए जावा डेवलपर। इसके अलावा भी सैकड़ों की संख्या में सिमज की छात्राओं को प्लेसमेंट मिला है और आज वे ICICI बैंक, TCS, विप्रो, कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC बैंक, यस बैंक, बजाज फाइनेंस, IDFC फर्स्ट बैंक, एक्सिस बैंक तथा अन्य बहुराष्ट्रीय कंपनियों में उच्च पदों पर कार्यरत है तथा वहां वे अपने माता पिता, कॉलेज और बिहार राज्य का नाम रोशन कर रही हैं। सिमज कॉलेज में सभी विश्वविद्यालय कोर्सेज के साथ कराए जाते हैं इंडस्ट्री ओरिएंटेड कई एड ऑन कोर्सेज, जैसे BCA के साथ कराया जाता है रोबोटिक्स। और जब हम सिमज में रोबोटिक्स पढ़ाते हैं ना, तो उसकी केवल थ्योरी नहीं बल्कि उसका प्रैक्टिकल भी कराते हैं। रोबोटिक्स की पढ़ाई सिमज में हमने ऐसी कराई कि सिमज के छात्रों ने सिमज से रोबोटिक्स सीखने के बाद बिहार का पहला AI इनेबल्ड ह्यूमनॉइड तैयार किया।
बीसीए के साथ एड ऑन के रूप में कराए जाने वाले कई अन्य कोर्सेज भी हैं, जैसे एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट विद फ्लटर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, अमेजन वेब सर्वर, बिग डेटा एनालिटिक्स, एथिकल हैकिंग, पाइथन, इमर्सिव टेक्नोलॉजी एंड वर्चुअल रियलिटी, गो प्रोग्रामिंग, साइलैब, मैटलैब, ड्रुपल, सीसीएनए, एमसीएससी, कॉम्प्टिया एन प्लस, कॉम्प्टिया ए प्लस। जबकि सिमिज में बीबीए और बीकॉम प्रोफेशनल कोर्स के साथ कराए जाते हैं डिजिटल मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया, एसईओ, रूरल मार्केटिंग, इनकम टैक्स कंप्लायंस, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, फाइनेंशियल मार्केट, एचआर वर्कशॉप, पेरोल मैनेजमेंट, टैली प्राइम, रिटेल मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन कस्टमर सर्विस, सॉफ्ट स्किल्स। इसके साथ ही कई अन्य कोर्स भी। छात्राओं को इंडस्ट्रियल विजिट के लिए सिमिज द्वारा जयपुर, बनारस, जलगांव, नोएडा इत्यादि जगहों पे ले जाया गया। तो आइए सिमिज में अपने सपनों को साकार करें, क्योंकि पढ़ेंगी बेटियां तभी तो आगे बढ़ेंगी बेटियां। और जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें।